नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर में ट्रैवल एजेंट की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। संगरूर के धूरी में पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे चलाने वालों पर लिया सख्त एक्शन, काटे चालान और सैकड़ों साइलेंसर बुलडोजर चलाकर किए नष्ट। जालंधर में बढ़ रहे क्राइम पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा एक्शन मोड में, शहर को चार जोनों में बांटा। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के बस स्टैंड के पास उस समय दहशत का माहौल देखने को मिला जब साथ लगते डेल्टा चैम्बर के बाहर पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी के ऊपर अज्ञात लोगों ने गोलियां चला दी। मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी का मालिक इंद्रजीत सिंह है, जो कि एक ट्रैवल एजेंट है। वहीं गोली चलने की सूचना मिलते ही जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए इंद्रजीत सिंह ने बताया कि वे अपने ऑफिस में बैठे थे। इस दौरान पार्किंग वाले व्यक्ति ने आकर बताया कि उनकी गाड़ी पर गोली चलाई गई है। उन्होंने बताया कि गाड़ी के अंदर एक पेपर मिला है जिसमें फिरौती की मांग की गई है और उसके ऊपर कुशल चौधरी गैंगस्टर का नाम लिखा हुआ है। वहीं ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संदीप शर्मा से पूछा गया कि किस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राथमिक जांच में ये पता चला है कि ट्रैवल एजेंट को डराने के लिए ये सब किया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। काम कर रहे हैं पार्किंग में मंडे दर्शक तो गड्डी से फायर करके गए चार पांच जने, बस आही उसे बाहर आके देखा तो शीशा टूटा पे फायर हो पे ही, बस कुछ और कागज वगैरह कोई रख के गए। आगे कोई पेपर पे आई अंदर कोई प्रॉपर्टी डिमांड कर रहे हैं कि नाम वगैरह के लिए कैसे, कोई कुशल चौधरी कहेंगे कोई कुशल चौधरी। हां जी, पेपर दे लिखे हैं कितने पैसे ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਏਗਾ ਪੱਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸਟ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 100 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਡੀ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਜੀ। अक्सर ही आप जब रोड पर चलते हैं तो बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाते हुए आमतौर पर नौजवान नजर आते हैं, तो वहीं संगरूर के नव नियुक्त एसएसपी की ओर से दी गई सख्त हिदायतों के बाद संगरूर पुलिस हरकत में आ गई है और घर के बाहर खड़े मॉडिफाई किए बुलेट मोटरसाइकिलों के चालान काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही मोटरसाइकिल के मॉडिफाई साइलेंसरों को हटाकर उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसके चलते धूरी में एसएचओ सौरभ अग्रवाल के दिशा निर्देशों के तहत एक मुहिम चलाई गई जिसमें सैकड़ों मोटरसाइकिलों के मॉडिफाई साइलेंसर हटाए गए और बाद में उन्हें इकट्ठा कर बाजार के पीछे बुलडोजर जलाकर इन साइलेंसरों को डिस्ट्रॉय किया गया। इस दौरान एसएचओ सौरभ अग्रवाल ने कड़े शब्दों में कहा कि अभी सिर्फ ये साइलेंसर हटाकर चालान काटे गए हैं, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन साइलेंसरों में से निकलने वाली तेज आवाज और पटाखों से आम लोगों, बच्चों व बुजुर्गों को तकलीफ होती है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा मुख्य जी प्रॉब्लम धूरी शहर की वो ये कि
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਲੈਂਸਰ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲੁਹਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਬੜ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਪਰ ਨਕੇਲ ਕਸਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਮੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤੋਂ ਪਰ ਨਕੇਲ ਕਸਨੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੋ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਸੇ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨ ਮੇਂ ਬਾਂਟਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜ਼ੋਨ ਮੇਂ ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਸੇ ਅਧਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਨੌਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਸ ਐਚ ਓ ਥੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਥੇ ਉਨ੍ਹੇ ਵਹਾਂ ਸੇ ਹਟਾ ਕਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮੇਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਏ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਸਪਤਾਹ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ 1973 ਕੀ ਧਾਰਾ 144 ਕੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੱਤ ਸ਼ਕਤੀਓਂ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਸੜਕੋਂ ਜੰਕਸ਼ਨੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੋਂ ਵਨ ਵੇ ਆਦਿ ਕੋ ਨੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਟੀਮੋਂ ਕੋ ਏਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋ ਲੇਕਰ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਤੋ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮਿਲਕਰ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਓਂ ਕੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੇ ਮੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਮਾਨਤੇ ਤੋ ਉਨਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨ ਮੇਂ ਵਰਦੀ ਮੇਂ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕੀਏ ਜਾਏਂਗੇ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਬਣਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਡਰ ਭੈ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਹਰ ਬਾਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਔਰ ਪੀਸੀਆਰ ਵਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 200 ਪਲੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਅ ਕਰਕੇ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ 3 ਏ ਡੀ ਸੀ ਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰੋਡਸ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਜੰਕਸ਼ਨਸ ਪਲੇਸਿਸ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 144 ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸਿਕ ਲੋਲੈਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਜਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ 2-3 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੇਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 144 ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਕਲੀਅਰ ਰੋਡ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰੀ ਰੋਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂ। ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਆ ਹੈ ਜ਼ੋਨ ਵਾਈਜ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼।
नेशनल लॉन टेनिस गेम में अंडर 17 बार वर्ग में चांदी का पदक जीतकर अमृतसर के जगदेश्वर सिंह ने जहां अमृतसर का नाम रोशन किया है, वहीं अमृतसर पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर बातचीत करते हुए जगदेश्वर के पिता इंद्रपाल सिंह ने बताया कि नेशनल लॉन टेनिस में भारत को 40 वर्ष बाद कामयाबी मिली है और उनके बेटे द्वारा पंजाब का नाम रोशन किया गया है, जिस कारण परिवार को काफी गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को नेशनल में भेजने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जो प्रबंध किए गए थे वे प्रशंसनीय हैं और वे पंजाब सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस मौके पर नेशनल लॉन टेनिस खिलाड़ी जगदेश्वर सिंह ने कहा कि इस गेम के लिए शारीरिक फिटनेस की बहुत जरूरत होती है, जिस संबंधी उनके कोच की ओर से बहुत मेहनत करवाई गई, जिस कारण बेंगलोर में हुए मैच के दौरान 23 टीमों में से वे फाइनल में पहुंचे हैं और वे चांदी का पदक जीतने में कामयाब हुए हैं और 40 वर्ष बाद ये मेडल दोबारा देश की झोली में आया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम परमवीर सिंह है, मैं पंजाब से लुधियाने जिले तो हाँ, मैं उत्थे हार्वेस्ट टैनिस अकैडमी खेलता, तो मैं उस पिंड का ही रहने वाला हाँ, तो मैनू उत्थे 8 साल हो गए तकरीबन खेलते, तो मैनू अज बहुत खुशी है भी असं इत्थे तिकर गए तो पंजाब का रोशन नाम करके आए, तो 40 साल बाद मैडल आया वा पंजाब का। असी लॉन टैनिस हरियाणे तो सैकेंड प्लेस हासिल की, 23 स्टेट आई सगिया, तो असी उन्होंने सारिया तकरीबन हरा के सैकेंड प्लेस हाजिर की, बेंगलोर में होया। और अंडर 17 दे विच आफ्टर 40 ईयरस पंजाब नूं इह स्टेटस मिलिया जिहड़ा कि इह नैशनल दे विच सिल्वर लैके आए ने। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, मेरे बच्चे की 10 साल की कड़ी मेहनत का फल है कि जिहड़ा इह बच्चा इत्थों तक अज तक पहुँच सकिया, और असी महाराज का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा शुकराना करते हैं भी सानूं इह दिन देखण नूं मिलिया। बहुत ज़्यादा माण महसूस हुंदा है जी, बहुत ज़्यादा माण महसूस हुंदा है, सब तो ज़्यादा माण इस करके महसूस हुंदा है कि पंजाब का नाँ रोशन किया हिंदुस्तान। नौजवानों को मैं मैसेज यही देना जी कि नशियां च कुछ नहीं पिया, इन्हां नूं छड्डो, खेडां च आओ, पढ़ाइयां च आओ, साडा पंजाब दी खून, पंजाब दी मिट्टी इहो जी है, जुझारू है कि इन्हें अज तक कभी भी किसी पासे किसी के सामने गोडे नहीं लाए, तो ड्रग्स छड्ड के और इस चीज़ ध्यान दियो, खेडा ध्यान दियो, अपने माँ प्यो का अपनी स्टेट का नाम रोशन करो जी। ये गेम हैगी है कि ये गेम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चाहिए होंगी, तो ये लॉन टेनिस गेम का लोगों को पता ही नहीं गा, तो ये गेम साढ़े पंजाब हैगी बहुत घट है, पर एड्डी ज़्यादा वधिया कोच ने कि साडा हाथ रहा साढ़े कोच के सिर पर, तो आप जित प्राप्त की है, तो साडा पंजाब फाइनल 40 साल बाद पहुँचे, तो आप बड़ी मेहनत ला के पहुंचे हैं, 9 साल सानू खेडते हो गए ने, तो नौजवानों को नशे छड के पढ़ाई तो गेम च जान लानी चाहिए। फाइनल किस टीम के नाल ही, तो किस तरह की टीम सी? ये फाइनल हरियाणे की टीम ना सीगा, तो हरियाणे ते आपा टक्कर दे सीगे, वो एक दो पॉइंटा तो आपा हारे। अगली यारी चाहोगे कि गोल्ड जीतिया जाए पंजाब? अगली यार भी जी आप पूरी कोशिश करागे कि गोल्ड लेके आई। हाँ जी, मैं सुमित कोहली स्प्रिंडेल स्कूल था, तो यह जी बच्चे गेम खेल के आए लॉन टेनिस है जिहड़ी कि बेंगलोर कर्नाटका दे विच हो रही थी, बच्चे ने साडे सिल्वर मैडल लैके आए ने उत्थों दी, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बड़ा हार्डवर्क है, तो यह जी बच्चा गेम खेल रहा कंपनी गार्डन महाराजा रणजीत सिंह क्लब से खेलता पाया जी, सूरज कुमार जी उन्होंने कोच ने, तो मैं उन्होंने टीचर, तो उन्होंने कोच स्प्रिंडेल स्कूल हाँ तो हाँ, तो बच्चे की बहुत हार्डवर्क है। गेम जी है बहुत रीसेंटली खेली जाती है, कुछ लोग ही खेलते, लोगों तो ये बारे पता ही नहीं है, अदरवाइज असी जे पूछिए तो सानिया मिर्जा नाम लिता जाए तो फिर थोड़े बहुत लोगों को पता लगता कि हाँ जी लॉन टेनिस, अदरवाइज साढ़े ये काफ़ी प्लेयर निकले ने, लेकिन साढ़े पंजाब तो बच्चे उभरते पे ने। अमृतसर देहात के थाना घरिंडा के गांव रनगढ़ में गोलियां मारकर कत्ल किए गए नौजवान के परिवार की ओर से अटारी वाघा नेशनल हाईवे जाम कर इंसाफ की मांग की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि गांव के सरपंच, उसके बेटे सरकारी मुलाजिम करमजीत सिंह और अन्य व्यक्तियों द्वारा उनके
घर आकर गोलियां चलाकर उनके भाई का कत्ल किया गया है और एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से भाग जाने के रोष स्वरूप उनकी ओर से रोड जाम कर ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जब इस संबंध में थाना घरिंडा के SHO मनमीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी ओर से शिकायत दर्ज कर 5 के करीब आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पीड़ित परिवार की ओर से यहां रोष प्रदर्शन कर बाकी आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है, जिसके चलते DSP अटारी द्वारा मौके पर पहुंचकर परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देकर ये धरना उठवाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। धरना ये करके लाना पे कि साढ़ा तो एक मैंबर चल गया, साढ़ा मरीज सीरियस है बहुत ज़्यादा, तो साड़ी कोई सुनवाई नहीं होती। जेडे पुलिस ने बंदे कल फड़े ही वह भी मतलब पुलिस की कस्टडी चो निकल चुके हैं। भज गया जी करमजीत जरा भज गया पुलिस की कस्टडी चो, वो पुलिस की कस्टडी चो निकल गया, तो पुलिस वाले ने इन्हों को पैसे ले DSP ने सारे ने DSP ने ले पैसे जहाँ का मेन अफसर इन्हों का उन्हें पैसे चुके हैं जी, तो केस की कोई सुनवाई नहीं होनी। अं कभी कदम भजते फिर सू धरना मजबूरन लाना पाया जी, सा मतलब दिल नहीं करता। मसला यह जी जे मतलब जिन्हें झगड़ा है इन्हों का मतलब स्मैक का बहुत व्डा कारोबार है, गाढ़ इन्हों का अं है झाड़ू पार्टी ने संबंध रखते सा मतलब कि चलो अजय नवे नवे ही जुड़े हैं। ये है धरना 8 बंदे है जी, इन्हों की कोई उतों तक पहुँच ना पैसे चाढ़े सारी जगह, साड़ी कोई कितने सुनवाई नहीं होनी, ना थाने होनी है तो ना साड़ी कोई हॉस्पिटल वाला सुनते जी। ये जी बलजी अपना कुलदीप सिंह हरदीप सिंह का थोड़ा लैंड का डिस्प्यूट सी, उसके संबंध में इन्हों का थोड़ा डिस्प्यूट होने करके लड़ाई हुई सी, जो नरवैल सरपंच अमन चेयरमैन तो नरवैल सरपंच के बेटियां वालों फायर किए गए, जिस से एक बंदा जख्मी हुआ सी, एक की डैथ हो गई है। सर कोई गिरफ्तारी की गई है? टोटल 5 बंदे अरैसट हो चुके हैं जी, एक बंदा इंजर्ड सी जिहड़ा गुरु नानक देव हस्पताल एडमिट सी, वो एबसेंट फ्रॉम बैड नहीं जी, वो देखो इतों वो सट लगी सी, वो एडमिट होया गुरु नानक जाके, वो एबसेंट फ्रॉम बैड होया वा, डॉक्टरी रिकॉर्ड लैके वो भी परचे बाय नेम है, वो भी रेस्ट होएगा जल्दी सर, उन्हें कोई क्रॉस भी नहीं करने का मौका दिया जाएगा। जी मुलाजम से उन्होंने कोई कार्रवाई होगी जी? वो देखो जी वो अरैसट नहीं सी बंदा, उत्थे जेरे इलाज दाखिल सी, इन्होंने बाय नेम परचे च रखाया सी, वो परचे च ही है, वो जो झूठा कोई एम बनाऊंदे रिजल्ट अपना वह नहीं बना देवे जी। तो सर धरना लगा है परिवार, मैं क्या जी इन्हें यकीन दवाया गया भी दोषी जल्द तो जल्द अरैसट किए जाएंगे, उस कोई लापरवाही नहीं वरती जाएगी, इस संबंधी सीनियर अफसर ने मैंने आगे मौके दसिया। झूठे कर्ज माफी के इश्तिहार से लेन देन वाली निजी कंपनियों के कारिंदे काफी परेशान चल रहे हैं, जिसका ताजा मामला अमृतसर में सामने आया है, जहां यूपी मनी कंपनी के एक अधिकारी बचित्तर सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि उनकी कंपनी ग्रुप लोन का काम करती है और जरूरतमंद लोगों को काम व व्यापार चलाने के लिए पेपर वर्क के बाद कर्ज देती है, लेकिन अब कर्ज माफी के झूठे इश्तिहारों के कारण ग्राहक कर्ज वापस नहीं कर रहे। उन्होंने बताया कि जब उनकी कंपनी के कारिंदे कर्ज की किश्त लेने जाते हैं, लोग उन्हें अलग अलग यूनियन की रसीदें दिखाते हैं और कर्ज वापस ना देने का हवाला दिया जाता है या फिर यूनियन के प्रधान के साथ बात करवा दी जाती है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक RBI ने भी गुमराह करने वाले इश्तिहारों का नोटिस लिया है और कर्ज माफी करने वाले झूठे इश्तिहारों से सचेत रहने की अपील की है, लेकिन भोले भाले लोग यूनियन के झांसे में आकर कर्ज वापस नहीं कर रहे, जिस कारण उनका काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने प्रशासन व सरकार से इस तरफ ध्यान देने की अपील की है। वहीं जब इस संबंध में पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि यूनियन के कार्यालय में लोन माफी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन यूनियन के प्रधान से बातचीत के दौरान पता चला कि वे यूनियन की मेंबरशिप फॉर्म भर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा यूनियन के प्रधान को समझा दिया गया है कि किसी का भी लोन माफी का गुमराह करने का फॉर्म ना भरा जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मामला सर यह जी, असं ग्रुप लोन का काम करते पे हैं, MSME का इंडिविजुअल लोन वंडे हुए है जी, जो कि असं रिकवरी लिए जाने तो सानू यह वाली पर्चियां दिखा के रिकवरी ना की जाती है, बोल दिता जाता है कि लोन माफ हो गया, जो कि RBI वालों कोई नोटिस नहीं है, कोई लैटर नहीं आया जी, बकायदा RBI ने अखबार के भी दे रखा है कि कोई लोन माफ़ नहीं है, ये झूठे और फर्जी लोटू पार्टियां ने दफ्तर खोले हुए हैं, जो कि 100-100, 50-50 के विच पर्चियां कट के मैंबरों नूं गुमराह करते पे ने कि तुहाडा लोन माफ़ है। सर असीं इस कंपनी के 3500 क्लाइंट आ जिन्हां नूं लोन दे चुके हैं,
सर साढ़ा 40-30 हज़ार रुपए तो लैके 1,00,000 रुपए तक का असी लोन दिता हुआ वा जो कि सूँ 15 पिछे साढ़ा 1-2 साल तो वधिया काम चलता पाया वा सूँ 15-20 दिन तो ही ये दिक्कत आ रही जी इस असी रिकवरी लिए जाने तो कलाइंट साढ़े रिकवरी लिए सूँ दे देंगे परचियाँ कि अपने प्रधानों गल करवा देंगे और जो प्रधान बने ने वो बोल देंगे कि लोन माफ आ तुसी रिकवरी नहीं लैनी पंजाब दे विच जिहड़ियां माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ने इन्हां ने लोगों को कर्जे दे दे के इन्हां बर्बाद कर दिता कि बंदा पहला एक करजा लैंदा फिर दूजा करजा लैंदा फिर तीजा कंपनी लैंदा यह कंपनियां जो होड़ लगी इस वेले 5-6 कंपनियां ने जिहड़ियां सारियां करजे देई जांदियां लोकी उन्हां नूं किस्तां नहीं दे सकदे हुण हालत यह हो गई आ कि किस्तां देण लई लोकी करजा लैंदे किसे नूं सद्दण नहीं जांदे जिन्हां जिन्हां नूं पता लगदा वो साडे कोल आउंदे आ असीं किसे इलाके विच आप नहीं गए जिहड़ा साडे कोल आउंदा उहदी असीं दरखास्त फार्म भरदे आ ते मैंबरशिप उहदी वी लैंदे आ मैं जी रेहड़ी ते लिया सी लोन जी गरीब युग विच सब्जी रेहड़ी ते 20 हज़ार रुपए का जी मैं बैंक तो लिया जी मजीठ मंडी बैंक इलाहाबाद तो अज किथे आए हो जिहड़े दफ्तर आए हो ये दफ्तर कामरेटियाँ दफ्तर जी मुतली घर में रश बहुत ज़्यादा फोटो स्टेट कराने चले जी सूँ पता नहीं हाँ जी कहते माफ हो जाएगा जी हाँ जी वो मैंबरशिप की परची कट रहे हैं वो कोई लोन की परची नहीं कट रहे मैंबर बना रहे हैं अपने कामरेट कम अमरजीत आसल वो परचियाँ कट रहे हैं 50,000 रुपए की परची कट रहे हैं मैंबर मैं मैंबर बन गया जी बस एहो परची है नहीं सानू तो कंप्लेन आई ही भी लोन का गल चल रही पर वो लोन की कोई गल नहीं उन्होंने क्या भी कहू लोन वास्ते गुमराह नहीं करना जे परची कट रहे तो वो अपने उन्होंने पार्टी की कट रहे सी भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा कमेटी अमृतसर की ओर से इस्कॉन के महामंडलेश्वर श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता की गई इस अवसर पर इस्कॉन अमृतसर के मंदिर अध्यक्ष श्री इंद्र अनुज दास जी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी रथ यात्रा श्री नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है रथ यात्रा महामहोत्सव में भगवान श्री गौर निताई जी की महाआरती प्रारंभ होगी जिसमें महाराज जी द्वारा संकीर्तन किया जाएगा उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर दोपहर 1 बजे भगवान श्री श्री गौर निताई रथ यात्रा का शुभारंभ होगा जिसमें संत समाज से संतजन दुर्ग्याना कमेटी सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता समाज सेवक प्रमुख हस्तियाँ व नगरवासी शामिल होंगे वहीं उन्होंने कहा कि मेयर द्वारा झाड़ू लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की जाएगी रथ यात्रा लॉरेंस रोड से शुरू होकर अलग अलग चौकों से होते हुए दुर्ग्याना तीर्थ में 7:30 बजे संपन्न होगी जहां पुष्प वर्षा कर इसका भव्य स्वागत किया जाएगा उन्होंने कहा कि पूरे मार्ग में संकीर्तन मंडलियां भगवान के समक्ष संकीर्तन व नृत्य करेंगी रथ यात्रा मार्ग को रंगोली द्वारा सजाया जाएगा व इत्र का छिड़काव किया जाएगा रथ यात्रा में हाथी अनेक प्रकार की झांकियां बैंड बाजे आर्मी बैंड सम्मिलित होंगे व देश विदेश से आए श्रद्धालु संकीर्तन करेंगे उन्होंने बताया कि भारत के विभिन्न भागों से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए होटलों में ठहरने की विशेष रूप से व्यवस्था भी की गई है इस्कॉन अमृतसर गुरुकुल के बच्चों द्वारा भजन रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण होंगे इस बार विदेशी भक्त भी रथ यात्रा में विशेष रूप से संकीर्तन करेंगे उन्होंने सभी अमृतसर वासियों को रथ यात्रा मार्ग को सजाने व भव्य स्वागत करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि रथ यात्रा विश्राम के दौरान भगवान की आरती कर उन्हें 56 भोग लगाया जाएगा 2 दिन भक्तों के लिए प्रसादम की विशेष व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि इस्कॉन संस्था सदैव सनातन धर्म की प्रहरी रही है इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं गौर निताई रथ पर आसीन होंगे महाराज जी ने सभी शहरवासियों को इस रथ यात्रा महामहोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा व अपना आशीर्वाद दिया अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट आप सभी श्री जगन्नाथ यात्रा कमेटी की ओर से सादर आमंत्रित हैं कल 15 दिसंबर साएं 7 से 10 बजे तक सिटी इंटरनेशनल में भव्य महाआरती का आयोजन होगा जहां पर श्री श्री गौर निताई जी की भव्य महाआरती की जाएगी इस अवसर पर श्री नवयुगेंद्र स्वामी जी महाराज जी द्वारा प्रवचन व संकीर्तन किया जाएगा यानी कि 16 दिसंबर को अमृतसर में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो लॉरेंस रोड में 1:15 बजे से शुरू होकर 7:30 बजे तक दुर्ग्याना मंदिर में उसकी समाप्ति होगी इस दौरान
यहाँ अमृतसर के गुरुकुल के बच्चे, विदेशों से आए हुए सैलानी व अमृतसर की जनता पूरी धूमधाम से इसमें भाग लेगी। देखो रथ यात्रा हर साल निकलती है, ऐसा कि लोगों को, जो लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं, उनको याद दिलाने के लिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है हमने भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के निकट आना है। तो ये रथ यात्रा का जो पूरी में निकलती है हर साल हजारों सालों से लोगों को याद दिलाने के लिए, भाई तुम लोगों के जीवन का उद्देश्य है कि तुम ये जानो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, इसलिए लोगों को याद दिलाने के लिए। और विशेष करके हमारा ये कार्यक्रम है लोगों की आत्मा की शुद्धि के लिए है, आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा की शुद्धि कैसे होगी कलयुग में? नाम जपने से। और एक नाम है विशेष, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रवि भूषण जैन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर काल धर्म को प्राप्त हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी श्री महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में की गई। इस दौरान पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय रवि भूषण जैन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व मेयर जगदीश राज राजा और पारिवारिक सदस्यों में धर्मपत्नी संगीता जैन, गौरव जैन, प्रिया जैन, नमन जैन, शिवाली जैन, विजय कुमार जैन, शशि जैन, फूलचंद जैन, निर्मला जैन, स्वतंत्र जैन, चंदन जैन, प्रमोद कुमार जैन, पाखी जैन, कायशा जैन, नाइसा जैन, तान्यम जैन सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय रविभूषण जैन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। आप लगभग 1.5 वर्ष से किडनी रोग से पीड़ित थे, परंतु संभावक आप धर्म ध्यान निरंतर करते रहे। आपकी आयु लगभग 67 वर्ष की थी। आप अब कुछ समय से स्वस्थ चल रहे थे, लेकिन 14 दिसंबर रात्रि को कुछ दिक्कत हुई। सकल परिवार ने आपकी भरपूर सेवा की व हर संभव प्रयास किया, लेकिन विधि के विधान के आगे सभी नतमस्तक हुए। और शिवाली जो युक्ति मंडल का है मान आल्सो क्वाइट रिलेटेड, ऐसा परिवार हमें मिला है जिसका आज सरताज चले गया। ऐसा लगता है कि जय समाज का अभिमान चला गया। इसके लिए आंखें हैं नम, बस इसीलिए आज आंखें हैं नम, तभी तो गुमसुम से सब बैठे यहाँ। रवि अंकल हमारा श्री महावीर जैन योग मंडल के प्रेसिडेंट ही थे। उनके टेन्योर में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की है हमारे मंडल में। साथ ही साथ 6 साल जनरल सेक्रेटरी रहे हैं एसएस जैन सभा के। उस दौरान भी मंडल को भी बहुत कुछ बताया और समझाया उन्होंने, तभी तो आज हमारा श्री महावीर जैन योग मंडल चढ़ी गांव में। शुक्रिया रवि अंकल तहे तहे दिल से, तहे तहे दिल से। आज की इस शोक सभा में उपस्थित सभी के उदास मन चेहरे हमें बता रहे हैं कि जनता समाज में आज एक महान आत्मा को भूली हुई। श्री रवि भूषण जी का आज हमारे बीच में ना हो पाना एक अति दुखदायक बात है। मेरे से पहले मुस्कान जी ने संपूर्ण जीवन पीछे आपके सामने रखा। मैं तो सोचता हूँ कि उनके जीवन के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। पूरी तरह समाज को समर्पित जीवन, धर्म और समाज के लिए जिए गए जीवन मेरे लिए तो एक मेंटर की तरह थे। 30 वर्षों से उनके साथ मैंने एसएस जैन सभा में, जैन मिलन में, युवक मंडल में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। बहुत कुछ सीखने को मिला। कहने की बात है कि जिन्होंने मंच पे बोलना सिखाया उनके लिए बोलना पड़ रहा है। सरदारनी रानी सिंह अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजी हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखा गया भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा आदर्श नगर जालंधर में संपन्न हुई।
इस दौरान रागी ढाडी जत्थों ने वैरागमय कीर्तन कर स्वर्गीय सरदारनी रानी सिंह की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर साहिबजीत सिंह, हरमीत कौर, रुपेंद्र सिंह, सहज, संजम, अनन्या, जैस्मिन सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक जगत से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय सरदारनी रानी सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर में ट्रैवल एजेंट की गाड़ी पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां, पुलिस हर एंगल से कर रही जांच। संगरूर के धूरी में पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे चलाने वालों पर लिया सख्त एक्शन, काटे चालान और सैकड़ों साइलेंसर बुलडोजर चलाकर किए नष्ट। जालंधर में बढ़ रहे क्राइम पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा एक्शन मोड में, शहर को चार जोनों में बांटा। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।